नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन सिंह द्वारा प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की तारीफ की, जिस पर धन्यवाद देते हुए नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मैं आभारी हूँ हर्षवर्धन सिंह जी का। उन्होंने मेरी तारीफ नहीं की, स्वास्थ्य विभाग के स्टाफ की तारीफ की है। प्रदेश की पुलिस और डॉक्टर कोरोना योद्धा हैं, उनकी वजह से ही प्रदेश नियंत्रण में हो पाया है। कांग्रेस द्वारा उपचुनाव को बैलेट पेपर से कराने की मांग पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार ईवीएम से बनी थी, वो हमेशा ईवीएम का रोना रोते हैं, परिणाम के बाद खामोश हो जाते हैं। कांग्रेस जनता के बीच जाती नहीं है, यह उनका हार का डर है। कांग्रेस की हार सुनिश्चित है। वहीं अनलॉक में बढ़ते आपराधिक ग्राफ पर कहा कि यह चिंता का विषय है, हम पूरी तरह से चिंता कर रहे हैं, अधिकारियों से भी बातचीत हुई है, पहले से आशंका है 3 महीने के लॉकडाउन के बाद अपराध बढ़ने की। तो मैं भी करता हूं सबकी, मैं भी कर रहा हूं, इसमें कोई बुराई नहीं। आप क्यों चाहते हो कि हम लोगों में कटता हो? उपचुनाव में कांग्रेस का कहना है कि यदि उपचुनाव में ईवीएम से वोटिंग कराई तो कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा रहेगा, बैलेट पेपर से मतदान किया जाना चाहिए, क्या अभी से ईवीएम कटता है? नहीं, डर वाली बात नहीं है, उनकी सरकार ईवीएम से ही बनी थी और वो हमेशा से ईवीएम का रोना रोते थे। उस समय भी रोया था, आप ध्यान हो, परिणाम आने के पहले तक वो ईवीएम पे ही लगाते रहे थे, परिणाम के बाद में खामोश हो जाते हैं। ये अज्ञात आशंका, ये उनके हार की आशंका, ये उनका डर, ये बात का द्योतक है कि उन्होंने अपने 15 महीने में कुछ किया नहीं और मालूम है कि जनता के बीच जाए कैसे, हालांकि वो जाते वैसे भी नहीं है, हार सुनिश्चित है। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती, भोपाल। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.